सोचें कि यहाँ पर आप किसके लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की शांति खराब ना हो, किस तरह से प्रत्याशी को यहाँ पर उतारा गया। तो इसको बिल्कुल वो हमारी ही बात कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ शांति भंग ना हो, इसलिए ऐसे लोगों को भोपाल में आने भी नहीं देना चाहिए, चाहे अभी का समय हो, प्रचार प्रसार का समय हो, अथवा उसके पश्चात का समय हो, यहाँ शांति स्थापित होनी चाहिए। इसलिए सन्यासी शांति की स्थापना के लिए ही निकले हैं। ये सनातन धर्म कभी भी किसी भी प्रकार से कोई ध्वंस नहीं करता है, और जिन्होंने विध्वंसात्मक शब्द भी बोले हैं और कर्म भी किए हैं, वो अगर शांति की बात करते तो वो तो मेरी बात कर रहे हैं। मैं प्रसन्न हूँ इस बात। प्रज्ञा जी, कम समय बचा है, लगभग एक महीने से भी कम समय बचा है, अपनी बात कैसे रख पाएंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह जितना कवर कर दिया है उन्होंने प्रचार प्रसार में, आपको लग रहा है कि उतना आप कवर कर पाएंगे, कम समय बचा आपको आपके पास? मुझे लगता है कि उन्होंने तो ये पूरा प्रयास किया है कि मैं तो समाज जिंदा ही ना रहूं, पर मैं अगर जिंदा हूं, भले ही मैं उन्होंने मुझे तोड़ फोड़ दिया है, लेकिन फिर भी मेरा आत्मल कमजोर नहीं है, क्योंकि मैं देश को समर्पित हूँ, धर्म को समर्पित हूँ, राष्ट्र धर्म को समर्पित हूँ। इसलिए कितना भी होगा, मैं ये कार्य करके संपूर्ण अपनी पूरा शक्ति लगाऊंगी, हमारा जो पार्टी है वो भी लगाएगी पूरी शक्ति। हमारा तो सिर्फ ये मान लीजिए कि मेरा तो एक बहुत ज्यादा इसमें प्रत्यक्ष कहीं भी इन्वॉल्व में नहीं थी, पर जो भी कार्य किए हैं, जो भी लोग समर्पित हैं, तो सब संगठन कर रहे हैं। पहले कई लोग, महापौर आलोक शर्मा हो या आलोक सज्जर हो, और भी कई नाम है, तो आपको लगता है ये अब सारे लोग आपका साथ देंगे या पीछे से कोई भी सेबोटेज या कुछ दूसरी षड्यंत्र नहीं होगा? सभी राष्ट्रभक्त हैं और सभी एक स्वर में इस कार्य को पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये देश का कार्य है और ये किसी का व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ना ही मैं मेरा कार्य है, ना ही उन सबका कार्य है, सबका मिलके कार्य है, क्योंकि ये कार्य देश के लिए किया जा रहा है। जी, आपने दो बातें कही है, मनवा आतंकवाद आपने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, जो आप कहती है कि कांग्रेस ने कहा है, दूसरा एक विकास का मुद्दा होता है, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरे चुनाव में क्या रहता है? किसी राष्ट्र को समर्पित किसी व्यक्ति को अगर आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए जाए, दुश्मन देश पर की हुई कार्रवाइयों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाए, जो भी गोपनीय बातें हैं उनको उजागर करने का प्रयास, यानी रक्षा का विभाग जो है उसकी सब बातें स्वयं के उसमें संज्ञान में लेकर के, और वो गोपनीयता को भंग करना, ये सब देश के विरुद्ध कार्य हैं, और इनको मुझे लगता है जब देश सुरक्षित हो, 1000 गौशालाओं के निर्माण के इस फैसले को कैसे देखते? निश्चित रूप से इसके विषय में भी आपके पास लिखित में जल्दी से आएगा, और हम आपकी बात को, आपके प्रश्नों को जल्दी से उत्तर दे सकेंगे, अच्छे से उत्तर दे सकेंगे, पर अभी कुछ चीजें तैयार हो रही हैं, हमें कल का ही समय अभी मिला है। आपने कहा कि आप शिवराज जी ने जो काम किया उसको लेकर आप जनता तक पहुंचेंगे, आपका खुद का क्या एजेंडा होगा, या फिर शिवराज के चेहरे के सहारे ही आप जनता तक पहुंचेंगे? देखिए, जिन्होंने अभी 15 वर्षों तक यहाँ कार्य किया है वो तो विषय है ही, और कांग्रेस के द्वारा जो भगवा को आतंक कहा है, आतंकवाद कहा है, हिंदुत्व को आतंकवाद कहा है, ये विषय मुख्य है, क्योंकि एक स्त्री की प्रताड़ना मुझे और कानून का उल्लंघन, ये जो इन्होंने एक षड्यंत्र पूर्वक किया है वो लेकर के भी मैं समाज में जाने वाली हूँ। मुझे स्वयं को इतना प्रताड़ित किया है, मुझे लगता है कि ऐसे परतंत्र काल में भी किसी को नहीं किया होगा। इसलिए ये जो चीजें हैं, जो मैं एक बात कहती हूँ, जो आज मेरे साथ हुआ, आज से 10 वर्ष पहले जो मेरे साथ हुआ है, मैं कैसे गारंटी दूं कि समाज में और किसी के साथ नहीं हो सकता? क्यों ये संवेदना उस समय खत्म हो गई थी? क्यों स्त्री को स्त्री शरीर नहीं माना जा रहा था? क्यों उसको आतंकवादी घोषित किया जा रहा था? क्यों उसके भगवा वस्त्र, जो अपना जीवन समर्पित ईश्वर को कर दिया है, वो स्वयं तिल तिल कर जलता है, वो भगवा जिसके अंतर्गत उसने अपने जीवन को समाहित कर दिया है, वो भगवा जिसके अंतर हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके अंदर भी भगवा, उसको उन्होंने आतंकवाद कह दिया? ये जो चीज है ये अक्षम्य अपराध है।
कल दिग्विजय सिंह जी हमारे सामने हमारे मुद्दे हैं और ये विषय इसलिए है कि समाज जागरण का विषय है क्योंकि आगे से इस प्रकार की प्रताड़नाएं और कानून का उल्लंघन, कानून के अंतर्गत गैर कानूनी कार्यवाहियां ये नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि ये मुद्दे जो यूथ है और महिलाएं उन पर असर करेगा क्योंकि यूथ का एजेंडा अलग होता है, वो अलग तरीके से सोचते हैं, आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद या राष्ट्रवाद उनको लग रहा है प्रभावित करेगा? सुनो, हिंदू आतंकवाद निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति है, जो भी है, हम कहते हैं आज हिंदू की अकेली उन्होंने हिंदू आतंकवाद कह दिया, क्या भरोसा है कि वो मुस्लिम आतंकवाद, क्रिश्चियन आतंकवाद, कभी स्त्री आतंकवाद, कभी पुरुष, जिन्होंने भेद करना सीखा है, जिन्होंने विघटन करना सीखा है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। भोपाल के बारे में भी